हाशमी सामाजिक सेवा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष नसीम हाशमी साहब हमारे साथ हैं और हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज यौम आज़ादी है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का दिन है, आज स्वतंत्रता दिवस है। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे नसीम हाशमी साहब तमाम देशवासियों को, खासकर मुमरा कौसा वासियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं 15 अगस्त के अवसर पे पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामना दिली मुबारक पेश करता हूँ और जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे देश में हैं सब आपस में मिलजुल कर रहें, आपस में सौहार्द बना कर रहें, यही मतलब कामना करता हूँ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदू सिख ईसाई से। नसीम भाई, हमारे देश के अंदर तमाम धर्मों को लोग आपस में मिलजुल कर एकता भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखते हुए अमन शांति के साथ रहते हैं, बावजूद इसके हर धर्म में कुछ गिने चुने लोग हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो हमेशा से आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, हमेशा वो जो है अमन शांति के लिए खतरा बने रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी हिंदुस्तान में लोग रहते हैं, सबसे पहले हिंदुस्तान के तरक्की के लिए आपस में मिलजुल कर रहे, और बगैर मिलजुल कर रहे तरक्की नहीं हो सकती हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान हमारा जो है बहुत पीछे चला जा रहा है इसमें, और आपस में जो लड़ाई है एक दूसरे के राजनीतिक देश के हिसाब से सब लड़ाइयाँ लड़ा रहे हैं आपस में, चाहे भी कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, तो ये जो है चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी भी आपस में मिलकर न रहे और हमारी जो है राजनीति हिसाब से रोटी अपना सेक रहे हैं। अब इससे मैं यही क्या नाम है देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि आपस में मिलजुल कर रहे, देश तरक्की के रास्ते चले, यही मैं देशवासियों से कहना चाहूँगा।